चोपड़ा हिंदी और पंजाबी फिल्म्स में एक्टर थे, जो हिंदू पंजाबी फैमिली में लाहौर में बॉर्न हुए थे 23 सितंबर 1935 को। इनका पालन पोषण शिमला में हुआ था। इनके फादर चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन चोपड़ा ने परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लिया कॉलेज में और ग्रेजुएट भी किया वहीं से। शिमला में स्ट्रॉन्ग थिएटर मूवमेंट हुआ था 1957 से लेकर 1961 तक, और चोपड़ा साहब उसके पार्ट थे। चोपड़ा साहब कई सारी हिंदी और इंग्लिश मूवीज देखते थे और ग्रेजुएशन के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए और टाइम्स ऑफ इंडिया सर्कुलेशन डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन कर दिया। साथ ही साथ वो स्टूडियोज विजिट करते रहते थे और अपनी ब्रेक का इंतजार करते थे। प्रेम चोपड़ा ने अपना डेब्यू बॉलीवुड में किया भारत भूषण स्टारर मुड़ मुड़ के ना देख से, जिस फिल्म ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद उन्हें एक पंजाबी फिल्म मिली और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला, और उसके बाद प्रेम साहब नोटिस में आए, लेकिन उनके पास ज्यादा हिंदी हिट फिल्में नहीं हैं। 1964 में उन्होंने सुखदेव का रोल प्ले किया था फिल्म शहीद में, जो उनका रेयर पॉजिटिव लीडिंग रोल था जो हिट हुआ। फिल्म सिकंदर ए आजम, निशान, कुंवारी, तीसरी मंजिल, मेरा साया, उपकार जैसी फिल्मों ने इनकी वर्सटैलिटी को बाहर शो किया। विलन के तौर पर उन्होंने पूरे इंडिया में नाम कमाया जब उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते फिल्म में काम किया। ड्यूओ राजेश खन्ना और प्रेम ने एक साथ 19 फिल्म्स में काम किया है। प्रेम चोपड़ा के कई फेमस डायलॉग्स रहे हैं, जैसे कि माय नेम इज प्रेम, प्रेम चोपड़ा, फ्रॉम द फिल्म बॉबी, और फिल्म सौतन में से उनका एक और फेमस डायलॉग रहा है, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।